नोएडा प्राधिकरण से 3.80 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया। आरोपी ने पहले तो नोएडा प्राधिकरण के नाम से फर्जी खाता खोला, इसके बाद बैंक अधिकारियों से उसमें प्राधिकरण की 200 करोड़ की एफडी से 13 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराए, फिर उस खाते से 3.80 की रकम दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दी। आरोपी ने खाते में बचे 9 करोड़ रुपए भी पार करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही बैंक ने खाता फ्रीज कर दिया। नोएडा प्राधिकरण की ओर से कोतवाली सेक्टर 58 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूरे मामले की जांच हो रही है। दरअसल पूरा मामला एक एफडी से जुड़ा हुआ है। नोएडा अथॉरिटी ने 15 जून को 200 करोड़ की एफडी कराने के लिए टेंडर निकाला। टेंडर की शर्त थी कि जो बैंक ज्यादा ब्याज देगा उसी में एफडी कराई जाएगी। इसके लिए नोएडा की कई ब्रांचों ने आवेदन किया। सबसे ज्यादा ब्याज सेक्टर 62 की बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफर किया। बैंक अधिकारियों ने प्राधिकरण से संपर्क किया। नियम कानून बताने के बाद प्राधिकरण 200 करोड़ रुपए बैंक के खाते में जमा कर दिए गए। इसके बाद जिस बैंक में अवधि होती है वहां एक खाता होना जरूरी है। ऐसे में प्राधिकरण ने एक साइनिंग अथॉरिटी बनाई। इसके लिए एक अधिकारी को नामित किया गया। साइनिंग अथॉरिटी को बैंक जाकर प्राधिकरण का खाता खोलना था, लेकिन सोमवार को साइनिंग अथॉरिटी के पहुंचने से पहले एक जालसाज बैंक पहुंच गया। वहीं इस पूरे मामले पर एडीसीपी शक्ति अवस्थी ने बताया कि थाना सेक्टर 58 पर नोएडा प्राधिकरण ने एफडी के लिए बैंक में जमा कराए गए रुपए धोखाधड़ी से निकालने के संबंध में तहरीर दी गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक बैंक कर्मी और अन्य कर्मियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। अब्दुल कादिर नाम के दस्तावेज में सिग्नेचर है, उसकी भी जांच कराई जा रही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा और शक्ति अवस्थी जो कि एडीसीपी है नोएडा की। थाना 58 में कल 4 जुलाई को एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बताया गया कि उन्होंने जो पैसे एफडी के लिए जमा किए थे बैंक में, उसमें से 3.8 करोड़ रुपीस निकाले गए हैं, उनका गबन हुआ है, और 9 करोड़ रुपए निकाले जा रहे थे जो सफलतापूर्वक वापस आ गए। इसमें नोएडा प्राधिकरण की तहरीर द्वारा एफआईआर लिखवाई गई और सुसंगत धाराओं में एफआईआर लिखवाई गई, जिसमें 420, 409, 467, 68, 71, 120 भी में एफआईआर लिखवाई गई है। इसमें बैंक कर्मियों और साथ ही साथ अन्य कर्मियों की भी संलिप्तता की जांच हो रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रश्नित है। अभी अभी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है, अभी गिरफ्तारी नहीं। अब्दुल खादर का क्या रोल है सर इसमें, नोएडा प्राधिकरण का किसमें? एक सूचना मिली थी कि एक अब्दुल खादर नाम का जो व्यक्ति है, बैंक की तरफ से दस्तावेज मिले उसमें उसका सिग्नेचर था, तो उस अब्दुल खादर की भी जांच और उसके रोल की जांच हो रही है। अभी जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही पता लगेगा। बैंक ऑफ इंडिया।